नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही आप लोगों का पेंटिंग एग्ज़ाम हो जाएगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी शिक्षा प्रवाह पर। तो आज आप लोगों ने अपना पेंटिंग का पेपर दे दिया है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएँ कि कैसा गया आपका पेपर, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे ज़रूर बताएँ। तो सेट फोर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। क्वेश्चंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं तो आप मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका जो खंड का है, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, सबसे पहला प्रश्न है आपका, उदयपुर देवगढ़ और नाथद्वारा किस चित्र शैली के प्रमुख केंद्र थे। तो देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर आप लोगों को मेवाड़ शैली में ये मिलेंगे। मेवाड़ शैली आप इसका आंसर लगा कर आए होंगे जहाँ तक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाथद्वारा में ऐसे पेंटिंग होती थी, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की, जिसको हम पिछवाई चित्र बोल देते हैं, और देवगढ़ में और उदयपुर में भित्ति चित्रण हुआ है, इसका संबंध मेवाड़ से है। बी, किस चित्र शैली को यथार्थवादी शैली में निर्मित आदमकद व्यक्ति चित्र के कारण प्रसिद्धि मिली। तो जो आदमकद चित्र बने हैं किशनगढ़ शैली में, बड़े चित्र बने हैं, लेकिन यथार्थवादी शैली जो कि मुगल कला के प्रभाव के कारण था, और मुगल कला का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ गया था जयपुर शैली में, तो जयपुर शैली में बहुत ज़्यादा बड़े आकार के चित्र बने हैं और यथार्थवादी शैली में बने हैं, तो बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सी है आपका, गुलेर किस लघु चित्र शैली की एक उपशैली है। तो गुलेर आप लोगों ने पढ़ी थी, पहाड़ी कलम की एक उपशैली है, और गुलेर के ही आर्टिस्ट ने आके बाद में कांगड़ा शैली में भी काम किया था। इसके बाद आप लोगों का, अब ये जिन बच्चों ने इंग्लिश में दिया है, ठीक है, उनका भी सेम वही सब है ना। फर्स्ट का फर्स्ट मेवाड़, एंड सेकेंड का जयपुर, एंड थर्ड का पहाड़ी स्कूल, सेकेंड ऑप्शन। डी है आपका कि किसके समय को कांगड़ा लघु चित्र शैली के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो राजा संसार चंद, ठीक है, राजा संसार चंद ने बहुत ज़्यादा काम कराया कांगड़ा केंद्र में, और वहाँ पर सबसे सुंदर पहाड़ी कला के चित्र हमें देखने मिलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक मुगल चित्रकला की प्रथम सचित्र पांडुलिपि के रूप में विख्यात है। तो हमजानामा सबसे पहले सचित्र पांडुलिपि है मुगल चित्रकला की। यहाँ पर मुगल बादशाहों के किस्से कहानियाँ इसके अंदर बुक में देखने मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपि तैयार कराई थी। तो रामायण और महाभारत की सचित्र पांडुलिपि सबसे पहले अकबर ने तैयार कराई थी। बाबर और हुमायूं के समय ऐसा कुछ हुआ नहीं, और औरंगजेब ऐसा कुछ कर नहीं सकता, तो तीनों को हम ऑप्शन से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, कौन सा दक्षिण चित्र शैली का एक प्रमुख केंद्र था। तो अजमेर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में है, चंबा पहाड़ी कला का केंद्र है, बच जाता है अहमदनगर, ऑप्शन सी, अहमदनगर दक्षिणी चित्र शैली का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, हैदराबाद शैली का संरक्षक कौन था। तो आदिल शाह जो था वो तो आपका बीजापुर कला शैली से संबंधित था, और जो ये कुतुब शाही परंपरा है वो आप लोगों की गोलकुंडा शैली में देखने के लिए मिलती है, और निजाम शाही वंश जो है उसका संबंध रहा है हैदराबादी शैली से, तो एच का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके वन वर्ड क्वेश्चंस, ठीक। अब हैं आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर आपको देना था, चित्रों को पहचानना था और उनका आंसर देना था। तो उससे पहले, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपने रिजल्ट्स अपडेट के लिए, CUET की प्रिपरेशन के लिए, अगर आप आगे पेंटिंग अपने पास रखना चाहते हैं मेन एंड वोमेन सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ ही साथ बेटा, जो 100 वर्ड के क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, यह पेंटिंग गहन चिंतन, सूफीवाद और संगीत के प्रति गहन समर्पण का अद्भुत संयोजन प्रदर्शित करती है। तो सूफीवाद और संगीत दोनों किस चित्र में है, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो चित्र है ये, और किसका, हैदराबाद शैली का ये चित्र है, हैदराबाद कला शैली में बना है, मतलब दक्षिणी कला शैली का चित्र है जो हैदराबाद केंद्र पर बना है, टेम्परा तकनीक से बना है, और 1750 से 70 का समय इस चित्र का
है, ठीक है। इन्होंने दे ही रखा है कि दक्षिण शैली का चित्र, इसकी संयोजन व्यवस्था में आप क्या ही बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, दो मुख्य आकृति हैं चित्र में जिनको छत पर चित्रित किया गया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो हरे कपड़ों में बैठे हुए हैं, सर के पीछे प्रकाश पुंज बनाया गया, और जो कि अमीर खुसरो उस समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र है और गहन चिंतन कर रहे हैं सूफीवाद पे या फिर संगीत पर। एक संगीतमय वातावरण है, पास ही में एक बड़ा सा पेड़ है, नीला आसमान नजर आ रहा है। तो इसी तरह से आपको इस चित्र का विवरण दे देना था और दिया भी होगा आपने जहाँ तक है। इसी के साथ अथवा में जो आपको चित्र पहचानना था वो है विशाल खेल के मैदान में चार महिला घुड़सवार पोलो चौगान खेल रही हैं। देखिए, छह महिला घोड़े पर थी, वो चौगान प्लेयर्स चित्र था, और जिसके अंदर चार महिला चौगान खेल रही हैं, पोलो खेल रही हैं, वो चित्र है चांद बीबी पोलो खेलते हुए। और गोलकुंडा शैली का ये चित्र है, आप लोगों को पता है। इस चित्र में ही आगे की तरफ ऐसे तालाब बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका शीर्षक बताना था, तो शीर्षक आपने बता दिया, ठीक है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, चित्रकार के बारे में जानकारी है नहीं, गोलकुंडा शैली का चित्र है, टेम्परा तकनीक में बना हुआ है, 1750 के लगभग इस चित्र को बनाया गया है। और इस चित्र में अगर आप देखोगे तो चित्र में, चित्र के माध्यम में हम बता देंगे कि टेम्परा तकनीक है, और टेम्परा तकनीक मतलब जल रंगों को अपारदर्शी करके उसके अंदर चित्रांकन किया गया है। महिलाओं के वस्त्रों के फहरने से चित्र में गति के होने का आभास लग रहा है। पीछे की तरफ ऐसे एक राजमहल और मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से इसको आपको एक्सप्लेन करना था, दो नंबर में बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं थी। थर्ड का ए, इस लघु चित्र में प्रकृति के अलंकारिक स्वरूप के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के एवं गोपियों के निस्वार्थ प्रेम का भक्तिमय चित्रांकन हुआ है। समस्त गोपियाँ, अच्छा तो कौन सा श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ, कौन सा चित्र है, गोपियों संग कृष्ण, कहाँ, पहाड़ी शैली का ये चित्र है। पहाड़ी शैली की कौन सी उपशैली है, तो बसोली शैली, ठीक है। बसोली शैली में ये चित्र बना है, चित्रकार मनकू ने ये चित्र बनाया है 1730 में, है ना। और 1730 में उन्होंने चित्र बनाया, तो जैसे इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोई उनको ऐसे पंखा झल रही है, कोई उनको पैर धो रही है, तो इसी तरह से बहुत ही मल्टी कलर में इस चित्र को बनाया है। गोपियों ने अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा श्री कृष्ण को अर्पित की है, प्रेम अर्पित किया है। बी है, इस चित्र में नंद एक बैलगाड़ी के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, वे अन्य बैलगाड़ी उनको अनुसरण कर रही है। तो आपने देखा होगा एक चित्र जिसका नाम है नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए, तो इस चित्र के अंदर, इसके अंदर आपको उसका विवरण करना था। सेक्शन बी आप लोगों का इसके साथ ही ख़त्म हो जा रहा है, दो नंबर वाले प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट फोर क्वेश्चन में है, नहीं नहीं अभी फोर क्वेश्चन भी है दो नंबर में, इसके अंदर आपको पहचानना है चार पुरुष मजदूर अपनी पूरी शक्ति से एक भारी भरकम चट्टान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चार मजदूर और एक चट्टान को हटा रहे हैं, तो देवी प्रसाद राय चौधरी का पहला ही मूर्ति शिल्प, जब हम मूर्ति शिल्प लास्ट वाले चैप्टर पे जाएंगे तो सबसे पहला मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय, जिसको बनाया है देवी प्रसाद राय चौधरी ने, ठीक है। ये उस चित्र की बात हो रही है जिसके अंदर, और ये जो चित्र है ना आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला विथिका का नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित है, तो ये दो, इसके दो मतलब कह सकते हैं प्रतिकृतियाँ थी, मतलब ये दो बार बनाया देवी प्रसाद, एक बार तो सबसे पहले जो बनाया वो मद्रास चेन्नई के बीच पे रख दिया उन्होंने, एक समुद्र के पास, है ना, और दूसरा जो उन्होंने बनाया वो राष्ट्रीय आधुनिक कला विथिका में रख दिया। इसके अंदर चार मजदूर हैं जो लकड़ी के बल्लियों से एक बड़े से पहाड़ को ऐसे गिराने का, धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत मेहनत उनके शरीर में लगे, भूखे प्यासे हैं, शरीर जो है वो, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो उभर आई हैं, बलिष्ठ व्यक्ति हैं, लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, और शरीर के निचले भाग पर उन्होंने एक लंगोट टाइप का बांधा हुआ है, बाकी पूरा शरीर उनका अर्धनग्न है, जिससे कि उनके जब ऐसे श्रम करते हैं तो श्रम करते वक्त जो जो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है वो सब परिवर्तन देवी प्रसाद चौधरी ने अपने इस मूर्ति शिल्प में दिखाया है। कांस्य और सीमेंट धातु से बेटा ये बना हुआ है, और 1954 ईस्वी में इस चित्र को, मूर्ति शिल्प को बनाया था
देवी प्रसाद राय चौधरी ने। इसके बाद है बी, अपने पाठ्यक्रम में समाहित किसी ऐसे सापा चित्र की सौंदर्यात्मक आलोचना कीजिए जिसमें तंत्र, योग, साधना, धर्म और नारी शक्ति, ये सारी चीज़ आपको किस में मिलेंगी? आपने ज्योति भट्ट का वो पढ़ा होगा ना, छापा चित्र देवी, है ना, जो उन्होंने बनाया था 1965 से 70 ईस्वी में, 1965 से 70 के बीच, लगभग 50 साल, लगभग 5 साल में वो चित्र बन के तैयार हुआ था। एचिंग चित्र उसको बोलते हैं, छापा चित्र है वो, और ये पीतल की प्लेट पे बनाया गया है, है ना। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसके ना दोनों साइड ऐसे कुछ कुछ ऐसे पत्थर से हैं, उसके ऊपर कहीं पे तांत्रिक लिखा हुआ है, कहीं साधना, श्री, कुंडलिनी, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं तंत्र को, योग को, साधना को और धर्म को, अगर आप इस पूरे चित्र को देखोगे तो जो वो महिला की आकृति दिख रही है, उसकी गर्भनाल, उसका गर्भाशय भी दिख रहा है, जिसके अंदर उसको गर्भ में ऐसे कुछ कुछ मतलब आकृति ही है, नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, आकृति नजर आ रही है, और माथे पर गोल लाल बिंदी, बड़ी लाल बिंदी दिखाई है, जो कि कहीं ना कहीं अध्यात्म का प्रतीक है। एक तरह से योग साधना को जो कुंडलिनी जागृत करने वाली होती है, एक ऊर्जा का संचार होता है महिला या स्त्री के पुरुष में, उस प्रक्रिया को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है ज्योति भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार रंगों और तकनीक के प्रयोग के विशेष संदर्भ में नीचे वर्णित कलाकार द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में प्रमुख भावनाओं को पहचानें और उनकी सराहना करें। तो अमृता शेरगिल का कोई भी चित्र आपको पहचानना है और उसकी सराहना कर देनी है। तो अमृता शेरगिल के पर्वतीय लड़कियाँ चित्र हैं, भारतीय महिला, एक हल्दी चक्की चित्र का विवेचन आप कर सकते हो, 1940 में उन्होंने कैनवास पर तेल रंग से बनाया था, ठीक है। तो क्या ही दिखाया था उसमें, 4 महिला आकृति थी, 3 तो बिल्कुल ऐसे सामने थी, जो एक तो पेड़ के सहारे पर एक लड़की बैठी हुई है जिसकी शादी लगभग नहीं हुई है, और 2 महिलाएं हैं। किससे पता चल रहा है उस लड़की की शादी, क्योंकि उसके सर पर ओढ़नी या दुपट्टा नहीं है, बाकी जो 2 महिलाएं हैं वो सर पर ओढ़नी रख के बैठे हैं, बीच में चक्की है, ठीक है। एक महिला चक्की को घुमाते हुए प्रतीत हो रही है, दूसरे उसके अंदर ऐसे कुछ हल्दी डालते हुए प्रतीत हो रही है। तो जो उनका ग्रामीण परिवेश था, महिलाओं का, उनकी जो दिनचर्या थी, वही सब है, और पीछे एक महिला आकृति को पेड़ से छुप करके उनकी बातें सुनते हुए चित्रित किया है अमृता शेरगिल ने, ठीक है। तो यही सब उसकी भावनाएँ हैं उस समय का, जो भी उनकी दैनिक क्रियाकलाप थे, वही सब, कोई सा भी चित्र अमृता शेरगिल का अगर आपको उस वक्त समझ था तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते थे और आपने लिखा होगा। नंदलाल बोस की भी कोई भी कृति आप लिख सकते थे, भारतीय कृषक लिख सकते थे, जो उन्होंने हरिपुरा पांडाल में बनाई थी। इसके अलावा नंदलाल बोस का शिव शती चित्र का आप यहाँ पर विवेचन कर सकते, जो वॉश तकनीक में बना हुआ है, 1947 में उन्होंने बनाया था कागज पर, है ना, शिव जी को ऐसे उदास मुद्रा में, क्यों, क्योंकि माता सती का देह जो है, उन्होंने अपनी देह त्याग दी है, तो वो उनको अपने गोद में लेकर के बैठे हुए हैं, पीले, ब्राउन, नारंगी रंग की अधिकता थी उस चित्र में, उसका विवेचन आप यहाँ पे कर सकते थे, या और भी कोई जो नंदलाल बोस का चित्र आपको पता हो, आपके सिलेबस में हो। 6th है, प्रेम जीवन का अभिन्न अंग है, यही वह भाव है जो मनुष्यों में दूसरों के प्रति सुरक्षा और फिक्र जैसी भावनाओं को पुष्ट करता है, विरह में यह और पुष्ट होकर प्रिय मिलन की लालसा जागृत कर देता है। तो इसके आधार पर 2 चित्र हैं, दोनों ही बंगाल शैली के चित्र हैं, राधिका और मेघदूत, दोनों को किसी को भी विवेचन आपको करना था, राधिका चित्र अब्दुल रहमान चौगतई का था, ठीक है, जिसके अंदर एक दिया है, दोनों वॉश पद्धति में बने हुए हैं, वॉश और टेम्परा का मिश्रित है, ठीक है। राधिका अब्दुल रहमान चौगतई का है और मेघदूत चित्र जो है वो राम गोपाल विजयवर्गीय का है, और 1940 में ही दोनों ने बनाया है। तो किसी भी चित्र का विवेचन आप कर देते। राधिका चित्र में बस क्या है, जो नायिका है वो अपने प्रेमी से मिलना चाह रही है, उसका इंतजार कर रही है, रात बीते जा रही है पर उसका प्रेमी नहीं आया है उसके पास। तो और दूसरा मेघदूत चित्र है जिसके अंदर बादलों पर 2 प्रेमी जोड़ों को ऐसे प्रेम क्रीड़ा में लिप्त दिखाया गया है, ठीक है, रामगोपाल विजयवर्गीय का ही है। और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट था, कोई 2 करने थे, 3 दिए गए हैं। तो सपाट पृष्ठभूमि के आगे स्पष्ट चटकदार आकृति, तो बंगाल शैली का कोई भी चित्र जो कि वॉश टेक्निक में बना है, जैसे यात्रा का अंत अवनींद्रनाथ टैगोर का, वो कर सकते थे आप, शिव सती कर सकते थे, राधिका कर सकते थे, है ना। तो इसका
नाम बताना था, आर्टिस्ट का नाम बताना था और विवरण दे देना था। इसी तरह से मुगल शैली पर एक लेख लिखना था आपको कि उदय और विकास कब हुआ, ठीक है। तो दूसरा था अकबर और जहांगीर के प्रमुख चित्रकार, तो अकबर के सैंपल मीर सैयद अली, अबू समा सिराजी, दसवंत बसावन। इसी तरह जहांगीर के काल में मिस्किन था, ठीक है, तो मंसूर था, ये आप नाम बता सकते हो। और मुगल शैली की विशेषता जैसे हाशिए, जल रंग की टेम्परा तकनीक का प्रयोग, एक चश्म चेहरा, प्रकृति चित्रण, व्यक्ति चित्रों की अधिकता, दरबारी शान और शौकत को इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया, विषय वस्तु बताना था, यही सब आप इसमें लिख सकते थे। सी है आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली के जनक के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आपको पता है, उन्होंने वॉच टेक्निक सीखी और बंगाल शैली शुरू करी, प्राचीन कला को एक वापस से नोट में लेकर के आए, वही सब है ना। और कुछ बंगाल शैली के चित्रकार बता देने थे, विशेषता बतानी थी, तो विशेषता रेखा, रंग, जो उनकी आकृति थी, जो उनके विषय थे, जो वॉश चित्रण था, ये उसकी विशेषताओं में आ जाता। और चित्रकार के नाम तो आपको पता है, देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, अब्दुल रहमान चगुतई, राम गोपाल विजयवर, ये सारे थे हमारे बंगाल शैली के आर्टिस्ट। तो ये हो गया आपका पेपर का सॉल्यूशन। होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना कैसा गया आपका पेपर और कितना कर रहे हैं आप पेपर में लगभग स्कोर। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।